इस गरम चाय की मार न दिए मार सभी नर नारी। अच्छा, पहला नंबर है कि बूढ़ा का खांसी हो जाए चाय बिना डटे नहीं, बूढ़ी का सर का दर्द चाय बिना हटे नहीं, बोडिया को होगी कब्जी चाय बिना छटे नहीं, खाट पे मंगावा ताऊ ताई को भी सर नहीं, भाई घूंट भरे बिना कूड़ा दातन करे नहीं, चौबारे में पीरी भाभी तड़ा पैर धरे नहीं, गया भूल दूध की धार न चाय लगती बच्चे को बड़ी प्यारी, गर्म चाय की मार न दी हमारे सभी नर नारी। दूसरा नंबर है कि चाय का रिवाज देखो बढ़िया जा रहा है बेसुमार, दूध और छाछ को भूल गए नर और नार, चाय बिना होता नहीं भाई आए गए का सत्कार, चाल के बटे हुआ वो दूध कोई प्याव नहीं, दूध कोई प्याव तो फिर बटियो को भाव नहीं, चाय बड़ा स्वाद भाई दूध अंदर आव नहीं, नहीं मिलती जिस रिश्तेदार ने नो बोले मेरी करीना खातिरदारी, गरम चाय की मार न दिए मार सभी नर नारी। बामण जाति बनिया खाती रात कूद वही वार पीते, हीर जाट राणा भाट धानक डूम कुमार पीते, तेली धोपी नाई छिंबी भंगी बेसुमार पीते, एड़ी माड़ी कुंजड़ा रे वारी मनियार पीते, भड़बू जा बणजारा जोगी श्यामी और सुनार पीते, ठठेरा सपेरा रे गरबा और या चमार पीते, आदत पड़ गई उस लुहार ने संग पीरी खड़ी लुहारी। सेठानी तो घर पर पीवा सेठ जी दुकान में, सेठानी तो घर पर पीवा सेठ जी दुकान में, बाबू जी दफ्तर में पीवा साधु बियाबान में, हीरोइन थिएटर में पीवा लीडर वायुयान में, खेतों और खलियानों बीच पीते हैं किसान लोग, गोली के निशाने आगे पीते फौजी जवान लोग, जेल कैद खानों के मां पीते हैं शैतान लोग, इब कर दी छूट सरकार ने सब पीऊं अफसर सरकारी, गरम चाय की मार न दी हमारे सभी नर नारी। आखिरी इसकी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी वाले पीते, जैनी बोधी ऊंची होती चिन्नी गोरे काले पीते, जोगी रोगी भोगी सारे निर्धन और धन वाले पीते, कोई ठहर ठहर पीवो कोई स्यात स्यात में, कोई सुबह श्याम पीवो कोई रात रात में, कह ब्राह्मण जगदीश भर नाट्या नहीं जा साथिया के साथ में, बता कौन समझा ले संसार में बीमारी, कर्म चाय की मार। एक मुंशी राम जी कवि हुए हैं जिनकी रचना सबसे पहले गुरु जी सुने थे गाते हुए, तो मुंशी राम जी की रचना सुनी थी तृष्णा रूपी रगड़ा जग में, उसके बाद एक दो और सुनी थी भाई अनूप गिल हैं समय गांव से, गांव पुरानी चैनल है जिनका, भाई के संपर्क में आने के बाद मुंशी राम जी का खूब अध्ययन किया उनको सुनिया भाई और कौन उनको सुनने के बाद में एक मुंशी राम जी को रचना मैंने खुद ने लिखी थी, वो रचना है के सार जिले तक कोस 18 एक नगर जांड ली पाई, श्री मुंशी राम कवि होई जिन रची अमर कविताई, गम्मा के मां सो रहे था भजन कथा के गाने का, और नहीं को साधन था वही अपना मन बहलाने का, जांडलिया का मुंशी सनु जिक्र होया था याने का, नामी गायक कवि बनया बांगर के सीम समाने का, गुरु हरिचंद का नाम लेवर सुमरे देवी माई, श्री मुंशी राम कवि होए वे जिन रची अमर कविताई। फिर बताया उनकी रचना कि उन्होंने कैसी कैसी रचना रची, कि पूर्व जन्म का रजोगुणी था करी कविता तोड़ मिले, छंदबद्ध पूरी रचना पावर टक्कर फूलर मोड़ मिले, डेढ़ फूलर ढाई के माचो कलिया और दौड़ मिले, ठेठ की बोली शब्द व्याकरण बड़ा गजब का जोड़ मिले, पिंगल के माँ कर रहा था वो इलम उन्हें सिखलाई, श्री मुंशी राम कवि हो जिन रची अमर कविताई। फिर बताया उनका विषय कि उन्होंने किस किस विषय पर रचना रची, कि भजन रागनी आजादी के बना बना के जोश भरे, वीर रस की करी कविता छंद इतिहास रचे धरे, छुआ छूत और पाखंड ऊपर कह राखे उन बोल खरे, मारू तो जो नहरी बन रे उन गामा के जकर करे, देश बीच में भरी गुलामी उन आजाद जांड ली गाई, श्री मुंशी राम कवि हो वही जिन रची अमर कविताई। फिर एक सच्चाई है वही मृत लोक है यहाँ पे मृत्यु निश्चित सब न जाना है, कि संध्या सूरज जरूर छप जो क्या करे सब भोर में, गुरु मुंशी श्री मुंशी राम भी चले गए विशाल पांच के दौर में, छोटी जांडली जना दे प्रदेश के चारों ओर में, गांव पुरिया में बने कविता पास हुआ पास ओर में, श्री राहुल राहुल शिष्य मेरे गुरु की कर दे कला सवाई, श्री राम कवि कमाल कर दिए भाई राहुल। एक बेगरा जी और नंदलाल जी छोटे भाई, हां मेरा नाना था उनकी रचना है
एक कपटी मित्र प्यारा हो भी तरले मकारा और बेवकत का बुआरा हो फायदा ना नुकसान करे। एक के मानस मुखिया हो से ठोड़े और थोक में आठ हवेली महल तुम्हारे अच्छे लागत चौक में झोंक में बैठक नो रहो घटिया मानस बो रहो और बुढ़ापे के माथो रहो के न्याली सी संतान करे। छत्तीस सौ में नमक बताना अच्छा लागे खीर में पैदा होते सात शरीर का वो गुण आठ वीर में पीर में ना लखन सिखे कुंभ पे गेल लड़े दिखे उल्लू ने ना दिन में दिखे रू सुनाई गणी बान करे। तीसरा नंबर है कि मस्त ऊंट मधमा हाथी जो घोड़ा हो सकट खाना हरदम खतरनाक बता दो मानस हो सैत साताना काना हो सरक टाल का गंजा हो सबिने बाल का टिंगर हो जो गली गाल का ना छोटे बड़े की कान करे। बीत पछी तोर की लागे उसके मह काला हो हरदम खतरनाक बता दे रहे गाम में साड़ा हो भीतर का काला जहर बुरा हो घर में मानस गैर बुरा हो पति पत्नी का बैर बुरा हो सुख संपत्ति की आन करे। केशो राम नाम की रटना नीतिश्वर के जाप करे कह नंदलाल धर्म मत तजिए खुद रक्षा तेरी आप करे पाप कर अपराधी बंदा करदा रहे उपाधी बंदर बेगरा सतवादी बंदा कदे झूठा नहीं बखान कर। एक और सुते न दे बोल जगा दे जागे न जगावे कौन और बिन सुने जगत में गुण ज्ञान सिखावे कौन। समझणिया मानस की सुन के गो बोल मरम कागड़ जा सत्संग और स्वाध्याय तक गुण ज्ञान तो गुणा बढ़ जा तोता मैना बंदर पढ़ जा कौवे न पढ़ावे कौन बिन सुने जगत में गुण ज्ञान सिखावे कौन। बिल्कुल सही बात। काफी हो सक करया इशारा नर नारी चतुर सुगड़ को काला अक्षर भैंस बराबर मंद बुद्धि लंथ परड़ को उल्लू कोतरी चमगीदड़ को प्रकाश दिखावे कौन रबिन सुने जगत में गुण ज्ञान सिखावे कौन। उल्टी बात समझ में आ जा जब मानस के दिन हो सोड़े विपरीत बुद्धि विनाश काले सदा चालते ओड़े ना खा जाने भेड़ बंदोड़े की खंड खुआवे कौन रबिन सुने जगत में गुण ज्ञान सिखावे कौन। शिक्षा मिलती तीन किस्म से रही खटक वैद मंगल के गुरु बना के या धंधे के या विद्या संग बदल के जो मरता हो वो जकल के उसने समझावे कौन रबिन सुने जगत में गुण ज्ञान सिखावे। जिस टाइम पर किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर लिखी थी एक पांच छह महीने हो गए थे बैठा ना उस टाइम पर दिया कि छह महीने बैठा ना हो लिए कुछ तो मन की लेनी थी के था के मारी सुनता के कुछ अपनी कहनी थी सरकार के बारे में था कि भाई छह महीने हो गए थे ना बैठा ना तो खुद की मैं कह रहे ना उनकी की मैं सुन रहे तो जिद की है कि छह महीने बैठा ना हो लिए कुछ तो मन की लेनी थी के ता के मारी सुनता के कुछ अपनी कहनी थी कि ना घना बोलना अच्छा के ते ना घनी बताव तू माँ का जाडा जेठ की बारिश बादू की धूप कर्म का हिणा माड़ा होके खान न देव रूप पर जाते दिल जो ही ना हो के फूक ऐसा भूख अपना हाथा आप कट जितनी कम टहनी थी के ता के मारी सुनता के कुछ अपनी कहनी थी के त्रेता युग में नाम सुनया वो सील दवजमई पाल बारह बरस लग जिसका राज में पड़ा कसुता काल कारण जान के खुद राजा फिर हल था के दिया चाल मेट दिव्या धी मिली उपाय धी बनया जनक तत्काल सारी प्रजा खुशी मनाव कसर कौन सी रहनी थी के ताय के मारी सुनता के कुछ अपनी कहनी थी के प्रजा गेल्या बैर लगा के किसने जीते पाले दंत वक्र शिशुपाल सुने वसुदेव के साले तप बल का अनुमान नहीं वह ठाडे जा थराले वह भी पल में ढेर कर आए बन कहरी रुखाड़े चंद रोज का मेला था ना सदा या व्यक्ता सहनी थी के ता के हमारी सुनता के कुछ अपनी कहनी थी। कर्तव्यम सो भोक्तव्यम नु कथ के कवि आधार गुरु विकास की या ए वाणी पास और गुरु द्वार गाम पुरा मन नामी समर रामजस का परिवार राहुल वशिष्ठ ने मिली नौकरी जाके जमना पार बिन रोजगार या जिंदगी भी रवि शशि जो कहनी थी। ये हम वरण नहीं सकते प्रभु थारी रजा में रजा ये त्रिलोकी करतार तने सब ध्यावस संसार उनके कर दिए बेड़े पार जिन दिल तब बजा हम वरण नहीं सकते प्रभु थारी रजा में रजा।
तू सर्वव्यापक गात गात में आश्रम वर्ण बेदीन जात में सब की में तेरे हाथ में तो यह नाम देते सजा क्या बात हम वर्ण नहीं सकते प्रभु थारी रजा में रजा थारी ओढ़ का करूं जकर में देखूं जमी पताल शकर में और कदे न कदे थारे फकर में पड़के या खा जाएगी कजा हम वर्ण नहीं सकते प्रभु थारी रजा में रजा लक्ष्मी चंद फेकर ताजी से पर हट जा अलग दगाबाजी से हरितण परमेश्वर राज जी से खूब गार अरे क्या